ये जो भेदभाव अपनाया कि इस विचार के इस तरह से जुड़े हुए शिक्षक संघ को नहीं बुलाएंगे, केवल अपने समर्थकों को ही बुलाएंगे या उनसे हेलमेट रखने वाले लोगों को ही बुलाएंगे। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। इनके द्वारा जो सर्कुलर निकला उसमें लगभग 150 लोगों को आमंत्रित किया, उसमें 43 नंबर पर PFI है, और PFI वो संगठन है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करता आया है, जिसमें तुष्टीकरण के नाते कोटा में इनको बड़ी जुलूस भी निकालने दिया गया, जबकि कई राज्यों में वो प्रतिबंधित है। और उसके विपरीत जो शिक्षक संगठनों के राष्ट्रीय संगठन है, ऐसे 6 संगठनों को आमंत्रित ही नहीं किया जिसमें शिक्षक राष्ट्रीय भी है और दूसरे संगठन भी है, तो इसका मतलब सरकार ने ये जो भेदभाव अपनाया कि इस विचार के इस तरह से जुड़े हुए शिक्षक संघ को नहीं बुलाएंगे, केवल अपने समर्थकों को ही बुलाएंगे या उनसे हेलमेट रखने वाले लोगों को ही बुलाएंगे, तो इस प्रकार यह जो उन्होंने सुझाव मांगे 2030 के लिए मांगे, मुझे लगता है 2030 से पहले तो 2023 है भैया, 23 की तो अशोक गहलोत जिक्र करते नहीं। सवाल ये है विधायक साहब कि PFI जिसे पूरे देश में प्रतिबंध लगा रखा है, आपने प्रेस नोट भी जारी किया, आपने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद PFI को बुलाया, ये इसलिए मुझे अशोक गहलोत की तुष्टिकरण की नीति या कहीं न कहीं जैसे कांग्रेस पार्टी चीन से फंडिंग लेती है और यहाँ पे राजस्थान के अंदर PFI को बुलाती है, तो स्पष्ट मेरा आरोप है कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी ताकतों को तो संभल देना या उनको इस प्रकार के सुझाव से आमंत्रित करना और राष्ट्र जो वादी लोग संगठन है उनको न बुलाना, इसका मतलब इनकी स्पष्ट तुष्टिकरण की नीति है और कहीं ना कहीं इन संगठनों के साथ उनकी सहानुभूति है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और इसके मैं शर्मनाक मानता हूँ। विभाग की ओर से ही अब कहा जा रहा है कि जो PFI है उसका फुल फॉर्म पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, जिसको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए राजस्थान सरकार से एक MOU भी हुआ। ये जब आरोप लगे और स्पष्ट उनको करना पड़ा तो पहले से ही इनके बाकी संगठनों कईयों ने उनका पूरा नाम लिखा है, इसका भी पूरा नाम लिखते तो जनता को मालूम पड़ता, अब इसमें से कौन प्रतिनिधि भाग लिया इसका नाम भी यदि प्रकाशित करें तो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या हुआ, यानी आपके मन में पाप चोर है और आपने चूंकि जनता के बीच में बात आ गई अब उसको स्पष्टीकरण देते फिर है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करके और इस तरह के संगठनों की बात करके चुनाव को अपना आधार बना रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, PFI राष्ट्र विरोधी संगठन है, वह न तो मुस्लिम के साथ जुड़ी है न दूसरी है, और दूसरा यह तो कांग्रेस करती आई है कि कांग्रेस ने INDI इंडिया ने जिस प्रकार से सनातन धर्म को समाप्त करने का इनके सहयोगी ने अनाउंस किया उसका आज तक कांग्रेस ने न तो खंडन किया न उसके साथ उनसे अलग हुए, तो इसका मतलब कांग्रेस की कहीं ना कहीं सहमति है कि वह वहाँ पर सनातन धर्म को समाप्त करने वालों के साथ है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम किसने किया, सनातन धर्म यहाँ पर अनादि है अनंत है और हमेशा रहा है और रहेगा, इसको कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। और फिर राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने सदैव तुष्टिकरण की नीति, रामनवमी है कि हनुमान जयंती है, कहीं यहाँ पे जैसे झरनेश्वर की शिवरात्रि के शिव जी की पालकी का था, लेकिन हमेशा उस पर कहीं ना कहीं व्यवधान डालती आई है, कहीं उसको अनुमति नहीं देने की बात आई है, तो स्पष्ट कांग्रेस के जो व्यवहार है जो कांग्रेस के क्रियाविनती है वह स्पष्टतया हमेशा तुष्टिकरण की नीति रही है, तो तुष्टिकरण की नीति में यदि एक वर्ग को सपोर्ट करोगे तो हिंदू मुस्लिम तो वो कर रही है, कभी भाजपा ने हिंदू मुस्लिम नहीं की, मोदी जी ने जो भी योजनाएं लागू की वो हिंदुओं के लिए भी थी मुसलमानों के लिए थी, हमने कभी ये नहीं कहा कि केवल हिंदुओं के लिए योजना है मुसलमानों के लिए नहीं है, भाजपा इसमें विश्वास नहीं करती।